हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 बिल्डिंग मटेरियल एंड टूल्स पेज नंबर 47 पार्ट 2 तक रीच कर लिया था। नाउ पार्ट 3 ऑन पेज नंबर 48। नाउ देयर आर मॉडर्न ब्रिक मेकिंग फैक्ट्रीज विच आर फुली ऑटोमेटिक। अब आधुनिक ईंट बनाने के कारखाने हैं जो पूरी तरह से स्वचालित है। इन दिस फैक्ट्रीज मिक्सिंग, ड्राइंग, कूलिंग एंड पैकिंग ऑफ ब्रिक्स इज डन बाय वायरस मशीन्स, नॉट बाय मैन। इन कारखानों में ईंटों का मिश्रण सुखाना, ठंडा करना और पैकिंग करना विभिन्न मशीनों द्वारा किया जाता है, न कि मनुष्य द्वारा किया जाता है। सीमेंट, इट इज़ काइंड ऑफ द ग्राउंड पाउडर, ये एक प्रकार का ग्राउंड पाउडर होता है। व्हेन मिक्स्ड विथ सैंड एंड वाटर, जब इसे रेत और पानी के साथ मिलाया जाता है, इट सेट्स टू ए वेरी हार्ड मास एंड बॉयनस द ब्रिक्स वेरी फॉर्मली। तो ये आधुनिक मशीनों से बना होता है जो ब्रिक को बहुत कठोर द्रव्यमान के लिए बनाया जाता है। मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रस्ट, स्टोन एंड वाटर इज कॉल्ड कंस्ट्रेट, और ईंटों को बहुत मजबूती से गिराता है। सीमेंट, रेत, पत्थर और पानी के मिश्रण को कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ऑन सेटिंग कंस्ट्रक्ट बिकम एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर रॉड्स एंड प्रीमेंट्स। इसमें बताया जाता है, स्थापित करने पर कंक्रीट अत्यंत कठोर और मजबूत हो जाता है। इसका उपयोग फर्श, सड़क और फुटपाथ बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, मैक ब्रिक्स यूजिंग मड एंड ग्रास, कि कैसे मिट्टी और घास का उपयोग करके ईंट बनाई जाती है। थिंग्स नीडेड, इसके लिए देखिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। मड, सीव, ग्रास, वाटर, एम्पिटी, मैच बॉक्स ऑफ और मिल्क, कार्टून्स टू मॉल्ड, कीचड़, छलनी, घास, पानी, खाली माचिस या दूध के डिब्बों का ढालना। ओके, अब इसके स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। 8-1 पार्ट ऑफ ग्रास टू अबाउट 6 पार्ट्स ऑफ मड, मिट्टी के लगभग 6 भागों में घास का एक हिस्सा जोड़े। स्टीयर एंड मिक्स वाटर स्लोली, द मड शुड गेट थिक, हिलाओ और धीरे धीरे पानी मिलाओ। मिक्स अनफॉर्मली, उसमें क्या होना चाहिए, वो जो मड है वो थिक मतलब गाढ़ा होना चाहिए, और इसे सामान्य रूप से मिलाएं। कट ओपन द सूजन मोल्ड एंड फिल इट विथ द मड, चुने हुए सांचे को काटे और इसे कीचड़ से भरे। प्लेसेस एंड मोल्ड्स पैक्स विथ मड इन द सन टू ड्राई, रिमूव द ब्रिक्स आफ्टर ए वाइल, यू मे प्रेस देम फॉर फर्दर ड्राइंग। नए नए सांचे रखें, सूखने के लिए मिट्टी में पैक करें। थोड़ी देर बाद ईंटों को हटा दें, आप उन्हें आगे सुखाने के लिए रख सकते हैं। उन्हें आप सुखाएंगे तो वो किसका रूप ले लेंगे, एक ब्रिक का। डिफरेंट टूल्स यूज्ड बाय डिफरेंट वर्कर्स, अब इसमें बताया गया है, डिफरेंट अलग अलग काम करने वाले द्वारा उपयोग किए जाने वाले अलग अलग उपकरण। द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर डिफरेंट टूल्स, लेट्स लर्न अबाउट दीज टूल्स। उपकरणों की अलग अलग उपकरणों की सहायता होती है। अब देखिए इनको हम जानते हैं। द आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान यूजिंग ए ड्रॉइंग बोर्ड, लार्ज शीट्स ऑफ पेपर, पेंसिल्स एंड स्केल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार एक ड्रॉइंग बोर्ड, कागज की बड़ी चादरें, पेंसिल और विभिन्न आकृतियों और आकारों के तराजू का उपयोग करके योजना बनाता है। द मेसन यूजेज ए ट्रॉवल टू स्प्रेड मोर्टर, विच इज मिक्सर ऑफ सीमेंट, वाटर, सैंड एंड सम अदर मटेरियल दैट होल्ड द ब्रिक टूगेदर। और जो मेशन होता है, मोर्टर फैलाने के लिए एक ट्रॉल का उपयोग करता है, जो सीमेंट, पानी, रेत और कुछ अन्य सामग्रियों का मिश्रण होता है जो ईंटों का एक साथ पकड़ते हैं। द कारपेंटर नीड्स टूल्स सच एज सॉ, सीजल एंड पेन, और बड़ी कारपेंटर आरा, छेनी और विमान जैसे उन्हें उपकरण चाहिए होते हैं। प्लीयर्स, स्क्रू ड्राइवर्स एंड टेस्ट लाइट्स आर सम टूल्स दैट द इलेक्ट्रिशियन यूज, और जो इलेक्ट्रिशियन के लिए होते हैं, जैसे पैच का, सरोता, परीक्षण रोशनी, कुछ उपकरण है जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। द प्लम्बर नीड्स टूल्स सच इज हैमर, व्रेंच एंड पिलर्स फॉर हिज जॉब, और प्लम्बर को अपनी नौकरी के लिए हथौड़ा, रिंच और सरोता जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। एंड द पेंटर नीड्स पैंट्स, ब्रशेज, रोलर्स एंड स्प्रे गन्स टू वर्क विथ, और चित्रकार को काम करने के लिए पैन, ब्रश, रोलर्स, स्प्रे गन की नीड होती है। तो ये पेज नंबर 48 आपको रीच करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।